फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद थमता तो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। अब फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने एक ऐसा अटपटा बयान दे दिया है जिसको लेकर माहौल गर्मा गया है। मनोज मुंतशिर का कहना है कि भगवान हनुमान तो भगवान थे ही नहीं, वो तो एक भक्त थे जिनको भगवान हमने बनाया है। अब इस पर विपक्षी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप और राजनीति भी शुरू हो गई है। बहरहाल आपको बता दें कि दशकों पहले रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल निभाकर दीपिका चकलिया ने हर दिल में जगह बना ली थी। लोग उन्हें असली की सीता मानने लगे थे और पूजने लगे थे। वहीं रामायण की सीता ने अब ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष पर हो रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ डाली है। दीपिका ने एक नए इंटरव्यू में हाल ही में रिलीज हुई प्रभास और कृति सनन स्टार ऑफ फिल्म के बारे में कहा कि हिंदू महाकाव्य से किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर होगी तो आलोचना का सामना करना ही पड़ेगा। जी हाँ, दीपिका ने यह भी कहा कि हिंदू महाकाव्य एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं और फिल्म मेकर्स को हर कुछ सालों में नए बदलाव के साथ आने से बचना चाहिए। दीपिका चकलिया ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हर बार यह पर्दे पर वापस आएगी, चाहे वह टीवी हो या फिल्म हो। इसमें कुछ ऐसा होगा जो लोगों को आहत करेगा, क्योंकि आप रामायण की एक प्रकृति नहीं बनाने जा रहे हैं जिसे हमने बनाई थी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हम लगातार हर साल या दो साल में रामायण बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। रामायण एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं, ये कुछ ऐसा है जिससे आप सीखते हैं। ये किताब है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यही हमारे संस्कार मूल्य संस्कार है। आपको बता दें कि दीपिका चकलिया ने इंटरव्यू में ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने आदिपुरुष नहीं देखी है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म के चारों ओर नेगेटिव चर्चा है और इसलिए वह इसे देखने का विचार भी नहीं कर रही है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इस बिंदु पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग मेरे पास इसके बारे में पूछने आ रहे हैं, सारे लोग प्रेस से भी हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदिपुरुष रामायण की एक भव्य मल्टीलिंगुअल रिटेलिंग है। हालांकि प्रभास और कृति सनन की यह फिल्म रिलीज के बाद से विवादों में फंसी हुई है। इसके डायलॉग, बोलचाल की भाषा और हिंदू महाकाव्य के कुछ कैरेक्टर्स की गलत व्याख्या में के लिए आलोचना का शिकार हो गई है। यहां तक कि इसे बैन करने की मांग भी उठ रही है। लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इस विवाद के बीच मनोज मुंतशिर के इस तरीके के बयान माहौल को और गर्मा रहे हैं। आपका क्या इस पर टेक है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।